आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को जो कि यहाँ पे क्लैट कंसोर्शियम ने अपनी तरफ से निकाली है। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर इन्होंने अनाउंस करा है एक नए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एडिशन को जो कि है आपकी राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज। अब ये वाली देखिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, अगर आप लोग क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लैट पीजी के उसमें इन लोग के पास टोटल में 10 सीटें हैं जिसमें कि अनरिजर्व 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी 3, शेड्यूल कास्ट में 2 है, और आपका यहाँ पे रिजर्वेशन फीमेल के लिए 20%, पीडब्ल्यूडी अगर आप यूपी के हो फिजिकली डिसेबल्ड तो यूपी वालों को वो मिलेगा, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो होंगे उनको 2% और 5% यहाँ पे रहेगा उनके लिए कि जो यूपी के अंदर डिफेंस पर्सनल के अगर मान लो कुछ वो हुए तो उनके लिए यहाँ पे रहेगा। इन्होंने ये चीज बता दी। और ये आपका जो है जो आपका अकेडमिक ईयर ये वाला है ना 2025-26 इससे ये लोग ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चाह रहा है कि मेरे को एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाए, बिकॉज आपके पास ऑप्शन केवल एक होता था राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी लखनऊ का, अब आपके पास प्रयागराज का भी एक ऑप्शन आ गया है, आप उसमें भी जा सकते हो। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे जाने की वो भी अंडरस्टैंड अगर थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करें तो देखो आपको अगर केवल ये चाहिए कि मेरे को एक एनएलयू का टैग चाहिए, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से अपना एनएलएम कर रहा हूँ। और ये एक तरीके से मान लीजिए ये Tier 3 के अंदर ही बिल्कुल बॉटम का कॉलेज है, यहाँ पे नियरली एडमिशन का रेट बहुत ही कम होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। बिकॉज कोई मतलब अगर वैसे कोई कैंडिडेट अगर सोच रहा है यूपी में आराम से प्रयागराज में रहकर मेरे को तैयारी करनी है, बिकॉज अभी देखो पहला सेमेस्टर होगा, पहला इनका बैच स्टार्ट होगा, तो उस समय पे इतना ज्यादा ना आपका पढ़ाई का लोड होगा, फीस वगैरह का भी अगर आप बात करो तो फीस वगैरह भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी ठीक ठाक लोगों की 1 ईयर की होगी, नो डाउट उसमें मेरे को डाउट नहीं है, 1 ईयर की फीस तो ठीक ठाक होगी, मतलब 2 लाख तक तो मान के चलो यार, लेकिन प्रयागराज में रहने बहने की कॉस्ट और हॉस्टल वगैरह की कॉस्ट थोड़ी सी रिलेटिवली थोड़ी सी ठीक ठाक है। तो वहां पर अगर आप कोचिंग कर रहे हो या फिर आपको वहां से आसपास में तैयारी करनी, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे करने का। मतलब मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि जैसे अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया उसके बाद आपने सीवीटी का एग्जाम भी दे दिया मान लो, और आपको यूपी में ही कॉलेज लेना है, तो आपके पास अगर मान लो सीयूटी में ही अच्छा रहता है फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम देते हो, तो उसका भी एक ऑल्टरनेट इस तरीके से आप जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे क्लैट के थ्रू एक तो जाएगा, फिर वेकेंट रोन के सीट्स हो सकता है यहाँ पे इसके 1-2 सीट्स बच जाए वो यहाँ पे हो सकता है लोग ले लें, बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज वन थिंग जो कि देखने वाली एक वो है कि हाँ भाई आपका जो RPLU है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है, मतलब राजेंद्र प्रसाद नेशनल यूनिवर्सिटी प्रयागराज ऐड हो चुका है यूपी के अंदर, यूपी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक अलग एक ऑप्शन मिला है। और बाकी मैं कहूँगा देश भर में और अगर कोई स्टूडेंट है आपको अगर फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके पास शिमला है, जबलपुर है, आपके पास ये आपका जो सिलवासा वाला कैंपस है वो भी है JNLU का, और ये है मतलब नई नई यूनिवर्सिटीज है, अगर इनके अंदर आपको जाने का वो है तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट में इसको थोड़ा सा नीचे ही रखना क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको ऊपर का कॉलेज अगर मिल रहा है तो फिर इसको अगर आपने टॉप पे रखा तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। बाकी ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, मैंने कहा आपको ये वीडियो बना के मैं दे दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कोर्स में एनरोल होना है तो उसके लिए आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।